तो राजनांदगांव के खुटेरी में 6 विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें पूर्व सीएम और राजनांदगांव से प्रत्याशी भूपेश बघेल की भी शामिल हुए हैं। और मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने अपने ऊपर लगे हुए FIR को लेकर आपको बता दें कि अग्रिम जमानत के लिए अपील नहीं करूंगा कहा है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को FIR करते हैं लेकिन अपनी वेबसाइट पर नहीं डालते हैं। भूपेश बघेल ने आगे ये भी बताया कि कांग्रेस सरकार ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर भारत सरकार से कहा था कि महादेव सच्चा ऐप बंद होना चाहिए, लेकिन यह आज भी चल रहा है। वही प्रदेश में बची हुई कुछ सीटों पर जल्द ही प्रत्याशी डिक्लेयर होने की बात है। कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद 2 दिन तक लगातार साथियों का मेरे निवास में आगमन हुआ, बहुत सारी बधाइयां मिली। लगातार विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों में, ग्रामीण अंचलों में भी लगातार फटाका फूटने और मिठाई बांटने की भी जानकारी मिलती रही। बहुत उत्साह साथियों में रहा है और ये उत्साह आपने बना के रखा, इसके लिए मैं सभी साथियों के हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी आदमी के वो ताकत है, व्यक्ति की ताकत है जो उसको जीत में परिणित किया जा सकता है, और पहले ही दौर में आपने वो बढ़त हासिल कर ली है। राजनांदगांव की चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में, पहले दिन ही जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो जहां वायनाड से आदरणीय राहुल जी की टिकट मिलने की चर्चा हुई, शशि थरूर की चर्चा हुई, वेणुगोपाल की चर्चा हुई, वहीं राजनांदगांव में राजनांदगांव भी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। वैसे भी राजनांदगांव का अपना स्थान, मैंने तो उसका जवाब भी दिया, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी है जहां कहने के छूट मिलती है, सब अपनी बात का बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। मुझे नोटिस तो दे पहले, मैं जाऊंगा, नोटिस तो दे, क्या आरोप है वो तो पहले समझूं। बिना आरोप के, कोई बिना कारण के FIR कर दिए हैं, जो विवरण है उसमें मेरा नाम को उल्लेख नहीं है, सूची में मेरा नाम डाल दिए हैं। हमने कानून को कड़ा किया है, हमने कार्रवाई की पूरे देश भर में, हमने लुकआउट सर्कुलर जारी किया और भारत सरकार को भी लिखा कि महादेव बंद होना चाहिए। गूगल को चिट्ठी लिखा कि आपके इसमें से कम महादेव को हटा दीजिए, तो हमारे आग्रह पे हटाया गया, लेकिन फिर भी आज भी महादेव ऐप सट्टा चल रहा है, डबल इंजन की सरकार में चल रहा है। यदि गलत है तो चल क्यों रहा है, गलत है तो चल क्यों रहा है? तो अभी प्रोटेक्शन मनी तो फिर कौन ले रहा है? दिल्ली सर, दिल्ली में बैठे हुए लोग ले रहे हैं कि राज्य में बैठे हुए लोग ले रहे हैं? चल तो अभी भी रहा है, बंद हो जाना चाहिए, हुआ नहीं।